हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सेंट्रोमियर की। क्रोमोसोम का एक स्पेशल पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एनाफेज कंडीशन के अंदर जब क्रोमोसोम या हम कहेंगे क्रोमेटिड्स का जो मूवमेंट होता है, या उस वक्त ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस टाइप से इसका सेपरेशन हुआ और किस टाइप से क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स के ऊपर मूवमेंट करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें सेंट्रोमियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक्सप्लेन जो किया हुआ है बुक्स के अंदर, तो एक राउंड शेप के अंदर इसको दिखाया हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है ना, बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक में या कोई दूसरी बुक के अंदर अगर हम देखते हैं। तो इस चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस टाइप से ये सेपरेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रोमियर। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेंट्रोमियर को। सबसे पहले हमारी क्लासेस के बारे में बताते हैं। 22 क्लासेस जो हमारी चलती हैं, और नेट, एम्स, नेट, बीएससी, एमएससी की जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं उस पर हम बात करते हैं। हम स्पेशली बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियोज बनाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, उनके बेसिक जो बुक्स के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे यहाँ पे रट्टाफिकेशन का जो सिस्टम है वो हम उस चीज को मना करते हैं कि हर चीज को समझा जा सकता है। तो आज हम सेंट्रोमियर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को देखते हैं कि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ क्या है। एनसीईआरटी ने जो लिखा हुआ है, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल एसेंशियली हैज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर। ये एक लाइन लिख रखी है सेंट्रोमियर के बारे में, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम के अंदर, और ये डायग्राम दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। ये डायग्राम है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ये बीच में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दे दिया इन्होंने, और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखा दिए इन्होंने। तो ये जो सेंट्रोमियर है इसके बारे में हमको समझना है कि है क्या स्पेशली। ये बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये स्पेशली बॉल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि इस चीज को समझना है कि ये क्या है, कैसे सेपरेट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस डायग्राम के अंदर, कई चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। अब जैसे ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये यहां पर नहीं है, ये जो पोर्शन होता है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है या हम कहेंगे सेकेंडरी सेंट्रोमियर अगर फॉर्मेशन होता है, तो एक क्रोमोसोम के अंदर हमेशा एक ही जो सेंट्रोमियर होता है वो फंक्शनल रहता है, दूसरा रिसेसिव हो जाता है। ये हमेशा बात समझने की जरूरत होती है कि अगर बन भी गया है तो फंक्शनल नहीं होगा, उसमें से एक ही फंक्शनल होगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो अनबैलेंसिंग हो जाएगा, क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होगा वो डिफरेंट टाइप से होगा, तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगी वो चीज, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा वन ही रहता है, सेकंड बनता है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होगा, या दूसरा फंक्शनल होगा। जैसे नियोसेंट्रोमियर्स का फॉर्मेशन हो गया तो दूसरा फंक्शनल हो जाएगा, कोई एक फंक्शनल रहेगा इसके अंदर। तो सबसे पहली बात ये है। अब यहां पर सेटेलाइट का फॉर्मेशन किया है इन्होंने, कि सेटेलाइट क्या है ये कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने। तो सेटेलाइट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अल्फा सेटेलाइट रिपीट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये स्पेशली मैं आज इस टॉपिक को उठाने का मीनिंग ही मेरा ये है कि इस चीज को हमको समझना चाहिए कि सेंट्रोमियर है क्या। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाता है तो मियोसिन और मायोसिस का जो मूवमेंट है, ठीक है ना, डिवीजन है जिसको हम कहेंगे एनाफेजिक डिवीजन जो होता है, वो पूरी तरह से समझ में आ जाता है। दिक्कत यहाँ होती है कि जो डायग्राम है वो सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। तो पहली बात तो ये सेंट्रोमियर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखा दिया, बॉल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, दबा हुआ एक पार्ट है। वो दब क्यों गया है ये हमें समझना है। रिपीटेड सिक्वेंसेज होती है डीएनए की, रिपीटेड सिक्वेंसेज होती है सेटेलाइट, अल्फा सेटेलाइट या ट्रांसपोजोन्स कहेंगे हम उनको, वो इसमें ज्यादा होते हैं। तो सेटेलाइट डीएनए होता है यहाँ पर इस जगह पे, अल्फा सेटेलाइट डीएनए, उसकी रिपीटेड सीक्वेंसेस अरेंज होती है, हिट्रोक्रोमेटिन कंडीशंस होती हैं, उसके कारण से ये दब जाता है, ठीक है ना, सेंटर से। तो ये कंडीशन होती है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने सेंट्रोसोम होल्ड द टू क्रोमेटिड्स, ठीक है, ऑफ द क्रोमोसोम। अब यहाँ पे टू क्रोमेटिड्स को होल्ड करने के बारे में समझा रहा है, जैसे कोई एक बॉल है उसको होल्ड कर रहा है, वो पकड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक क्रोमोसोम ही है, उसका एक पार्ट है, ठीक है ना।
जो चिपक गया है पास से, अगर हम सीधी लैंग्वेज में बात करें तो वो हिटरोक्रोमेटीन के कहां से है? कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो है, S3 प्रोटीन होती है, अभी आगे चल के बात करेंगे, उसमें वेरिएशन आ जाता है, ठीक है ना, तो उसके कारण से होता है, ठीक है। क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड। अभी यहां पे इन्होंने क्लासिफिकेशन की बात कर दी, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग कितनी दूरी पे पोजीशन है। दोनों क्रोमेटिड्स हैं, जो आर्म हैं, अब शॉर्ट आर्म है, लार्ज लॉन्ग आर्म है। अब यार ये मेटा मेटा आपका मेटासेंट्रिक जो है वो बीच में अगर है, दोनों यानी कि क्रोमोसोम के सेंटर में अगर है, वो मेटासेंट्रिक कह रहे हैं उसको। अगर वो थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, उसको क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। अगर ये आपके टिप पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना, इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, और अगर टिप पे है तो उसको कहेंगे आपके टीलोसेंट्रिक। ये उसकी पोजीशन के टाइप से उनको 4 क्रोमोसोम को बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी सेंट्रोमियर के, हम कहेंगे सेंट्रोमियर का के बारे में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। आज हम इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे अपन चलते हैं, अगर तो सबसे पहले अपन देखें तो सेंट्रोमियर स्पेशली क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन रीजन है स्पेशली माइटोटिक क्रोमोसोम जो होता है उसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रीजन है। यहां पर स्पेशली क्रोमोसोम जो होते हैं हिटरोक्रोमेटिक कंडीशन में आते हैं, अपन उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। और इसमें फ्लेमिंग ने, इसका डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, वाल्डर फ्लेमिंग ने इसको 1882 के अंदर इसको बता दिया था। जेनेटिकली कंडीशन के अंदर हम बात करें तो ये सप्रेस करता है रिकॉम्बिनेशन को, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर सप्रेस रहती है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा लगभग, ठीक है ना। ये पोजिशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सेटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए के रिपीट सीक्वेंस सीक्वेंस प्रेजेंट होती है यहाँ पे। अब ये सीक्वेंसेस जो होती है उसके अंदर अगर हम देखें सी बेंडिंग पाई जाती है, डार्क एरिया होता है ये, या रीजन कहेंगे हम, डार्क रीजन है, सी बेंडिंग प्रेजेंट होगी, अल्फा सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होगा, रिपीटेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगा, ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो कंडीशंस हैं ये हमें एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये सेंट्रोमियर जो है वो एक क्रोमोसोम का, यानी कि हम क्रोमेटिड की जब बात करते हैं, न्यूक्लियोसोम्स की हम बात करते हैं, उसका पोर्शन है, कोई अलग से एक पार्ट या बोल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर अगर मैं ह्यूमन के अंदर बात करता हूँ तो उसके अंदर सेटेलाइट जो है उसके अंदर 171 बेस पेयर, अभी अपन बात करेंगे बेस पेयर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है। उसके अंदर अगर हम उन सीक्वेंसेस की बात करें तो उस सीक्वेंसेस के अंदर हायर ऑर्डर रिपीट सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगी। वो हायर ऑर्डर रिपीट सीक्वेंसेस जो होती हैं वो कई कंडीशंस के अंदर, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, ये भी आप बात को देख रहे हैं। और इनका जो साइज होता है वो 0.5 से लेके 5 मेगा बेस पेयर तक इसकी साइज हो सकती है, ठीक है ना। अगर अब मैं इसके बारे में बात करूं आगे तो ये 2 रीजन्स में डिवाइड रहता है, 2 रीजन्स में डिवाइड रहता है। ये कौन कौन सा रीजन होगा, एक तो होगा सेंट्रोमियर कोर, सेंट्रोमियर कोर होता है, और दूसरा होता है पेरी सेंट्रोमेरिक रीजन, मेरिक रीजन। अगर मैं इस डायग्राम को अगर इस आगे अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इस टाइप से, ये वाला जो पूरा पोर्शन है,
यहाँ पर येलो जो पूरा पोर्शन है, येलो वाला जो पोर्शन दिखा रहा है वो प्री सेंट्रोमियर रीजन की बात करेंगे। इसके बाहर कोर, सेंट्रोमियर कोर प्रेजेंट होता है, और कोर जो प्रेजेंट होता है उसके बाहर काइनेटोकोर प्रोटीन्स जो होती हैं, जो माइक्रोट्यूबुल्स को, यानी कि हम कहें स्पिंडल फाइबर को अटैच करती है। तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि जो सेंटर पोर्शन है ये जो है ये हिटरोक्रोमेटिन वाला जो एरिया है, और बाहर की साइड में जो प्रोटीन है जिससे काइनेटोकोर प्रोटीन जुड़ रही है, ठीक है ना, काइनेटोकोर जो फॉर्मेशन हो रहा है उस वो वाला जो पोर्शन होता है सेंट्रोमियर कोर कहलाता है। तो मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे तो क्रोमोसोम का है, या हम कहेंगे डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे मिलेगा? प्राइमरी सेंट्रोमियर, ठीक है ना, या हम कहेंगे उसको पेरी सेंट्रोमियर। पेरी सेंट्रोमियर एरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए प्रेजेंट जो है उसके बाहर की साइड में डीएनए प्रेजेंट है, ये सीसीएनए, ठीक है ना, एएन, यानी कि कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमेरिक एसोसिएटेड नेटवर्क, ठीक है ना, ये पूरा इसका मीनिंग होता है। यहाँ पर ये नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोटीन है आपके सीईएनपी सेंट्रोमियर प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट ये जो प्रोटीन होती है ये कॉम्प्लेक्स होती है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। वो नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है इस टाइप से जुड़ा रहता है। अगर मैं इसको लार्ज स्केल के अंदर देखता हूँ, बड़े साइज के अंदर, तो ये सोलेनोइड कंडीशंस है, ये डीएनए है। ये जो डीएनए है ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है ये हिटरोक्रोमेटिन कंडीशन में रहेगा, ठीक है ना। और अल्फा सेटेलाइट या हम ट्रांसपोजोन्स की बात करेंगे वो इस पार्ट पे प्रेजेंट रहेंगे। अभी आगे अपन उसका डायग्राम भी देख लेंगे। ये जो पोर्शन है ये आपके सेंट्रोमियर कोर के साथ जुड़ा रहेगा जिसमें प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, सी एन पी प्रोटीन, ए बी जी एन, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है, उससे जुड़ा रहेगा। और वो जो प्रोटीन है वो काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ा रहेगा, और काइनेटोकोर प्रोटीन है वो माइक्रोट्यूबुल यानी कि स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट रहेगा। तो ये जो पूरा पोर्शन है आप इस टाइप से देखोगे तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए जब एनाफेजिक कंडीशन आएगी उसमें सेपरेशन हो सकता है इजीली, ये इस साइड में मूव कर जाएगा, ये इस साइड में मूव कर जाएगा। कोई कंफ्यूजन थोड़ा ना यहाँ पे, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सेंटर का जो पोर्शन है, सेंट्रोमियर के सेंटर का जो पोर्शन है वो डीएनए का बना हुआ है, ठीक है ना, वो डीएनए का बना हुआ है। दो पेयर्स हैं डीएनए के। अब जो जो क्रोमेटिड्स थे वो दोनों क्रोमेटिड्स तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर अल्फा सेटेलाइट डीएनए यानी कि हम कहें रेपिटेटिव डीएनए के सीक्वेंसेज मिलती हैं, जिसके कारण से हिटरोक्रोमेटिक कंडीशन बनती है, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन मिनिमम होता है, या होता है, सप्रेसिंग कर देता है। तो ये पॉइंट एक आपको ध्यान में रखने की बात होती है। दूसरी बात ये होती है इसके अंदर कि इसके अंदर पॉइंट सेंट्रोमियर की बात कर सकते हैं, यानी तीन टाइप के सेंट्रोमियर हमको दिखाई देते हैं। पॉइंट सेंट्रोमियर, पॉइंट सेंट्रोमियर, दूसरा है होलो सेंट्रिक सेंट्रोमियर, और तीसरा है आपका रीजनल सेंट्रोमियर। दूसरा, सेंट्रोमियर। अब पॉइंट सेंट्रोमियर जो होता है ये स्पेशली आपके किसमें, बडिंग ईस्ट के अंदर मिला दिखता है अपन को। इस सेंट्रोमियर में क्या होता है कि एक एक माइक्रोट्यूबुल जो होती है वो आके कनेक्ट होती है, ठीक है ना। होलो सेंट्रोमियर के अंदर क्या होता है कि जो पूरा क्रोमोसोम का जो पूरा पोर्शन होता है वो डेकोरेट होता है, यानी कि वहां पर सभी जगह पे आके आपके माइक्रोट्यूबुल्स आके जुट सकती हैं। और रीजनल सेंट्रोमियर के अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट है जहां पर कई माइक्रोट्यूबुल्स आके, या हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर आके जुट जाता है, जो कि
आपके वर्टिब्रेट्स में होता है, ये होलोसेंट्रोमियर होता है, ये निमेटोड्स में होता है, ये वर्टिब्रेट्स में होता है, ये बडिंग ईस्ट के अंदर होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर खास चीज जो होती है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन जब करते हैं, उसमें S3 टाइप की जो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सेंट्रोमियर प्रोटीन ए, CNPA, CD कई टाइप की होंगी। तो ये स्पेशली ये आपको ध्यान में रखना था, CNPA जो प्रोटीन होती है वो जुड़ी हुई होती है H3 की जगह पे, ठीक है, उसके कारण से कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पास पास में मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं या रिपीटेशन हो जाता है DNA का, इस टाइप से भी हम कह सकते हैं इस चीज को। और यहाँ पर जो आपको आपके पेरिसेंट्रोमियरिक रीजन जो था, यहाँ पर जो क्रोमोसोम, जो या हम कहेंगे DNA का जो जॉइंट होगा, वो कोहिजन प्रोटीन के थ्रू होगा, कोहिजन प्रोटीन के थ्रू होगा। और कंडेंसिंग जो प्रोटीन होती है, उसके कारण से लूप्स जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। जब एनाफेज कंडीशन आती है, उस टाइम में सेपरेज एंजाइम की कंडीशन में, जो आपके कोहिजन और कंडेंसिंग जो प्रोटीन जो होती है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है सेपरेज, वो टूट जाते हैं, और जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। ये स्पेशली सेंट्रोमियर का एक छोटा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, काफी बड़ा टॉपिक होता है, मैं इसको